हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये हम देखेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या डायग्राम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। द कर्व विच शोज दैट अ कंट्री विद द बेस्ट अवेलेबल टेक्निक एंड यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ अ कम्युनिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जो टू गुड्स के बीच में वेरियस कॉम्बिनेशन बनाता है, जो हमारे को गिवन होते हैं रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे को प्रोडक्शन करने के लिए टेक्निक और रिसोर्स गिवन है उसमें कॉम्बिनेशन बनाता है। इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली द अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज़ एन कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कॉनकेव से ओरिजिन की तरफ होता है। इट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें हम क्या करते हैं, जॉइन करते हैं टू गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। द मूवमेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर ऑन पीपीसी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स चेंज। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में गुड्स चेंज हो रहा है तो उनका कॉम्बिनेशन जो हो रहा है गुड्स का वो भी चेंज होगा। द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इंक्रीजेज एंड द अदर डिक्रीजेज। अगर एक क्वांटिटी गुड्स में हम इंक्रीज कर रहे हैं तो अदर गुड्स की क्वांटिटी हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी। वन गुड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जो हम वन गुड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अनदर गुड्स में, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनदर नेम क्या है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। अब ये हमारे को प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व का डायग्राम गिवन है, जहाँ पर हमने दो गुड्स लिए हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। गुड एक्स में मान लीजिए हम वीट ले लेते हैं और गुड्स वाई में हम क्लोथ ले लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ये डिसाइड किया जाता है कि ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करें। मान लीजिए हमें दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। मान लीजिए हमें गुड्स एक्स का प्रोडक्शन करना है तो हमें गुड्स वाई का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारे पास देखिए ए बी डी एफ, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये शो कर रहा है हमारी लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे पास फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये है। तो हम प्रोडक्शन गुड्स एक्स का कितना करें, मान लीजिए हमें पॉइंट बी पर जाना है तो गुड एक्स का प्रोडक्शन और गुड्स वाई का प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। अब हम पॉइंट डी पर आते हैं तो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और जो गुड्स वाई है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये शो कर रहा है कि मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन एक गुड्स का इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन, तो अनदर गुड्स का हम प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपीस है, अब 5 लाख रुपीस मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स हो गया। अब मुझे उसका फुली यूटिलाइजेशन करना है कि मैं गुड्स एक्स पर कितना प्रोडक्शन करूं और गुड्स वाई का कितना प्रोडक्शन करूं कि 5 लाख रुपीस का फुली यूटिलाइज हो सके। तो ये हमारे को जो पीपीसी कर्व शो करता है कि हमें फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना करना है, ये शो कर रहा है ये कर्व। इसी तरीके से हमारा जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी है, मान लीजिए मैं पॉइंट सी पर अगर प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये कहलाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर मैं पॉइंट ई पर करता हूँ तो देखिए प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व से ओवर जा रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख रुपीज़ मेरी प्रोडक्शन का रिसोर्सेज था और वो ऊपर ओवर चला गया, मान लीजिए 15 लाख या 10 लाख पर चला गया। तो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं, 15 लाख का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया कि मेरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो ओवर हो रहा है। तो पॉइंट ई शोज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो कि शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज।
कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन क्या के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि हमारा प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व कैसे शो करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कब होता है, अंडर यूटिलाइजेशन कब होता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट एफ पर आते हैं तो मान ली हमने गुड वाई का जो है वो प्रोडक्शन बिल्कुल नील कर दिया है और अब हम सिर्फ गुड एक्स का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये और हम अगर पॉइंट ए पर आते हैं तो इसका मतलब ये है हम गुड्स एक्स का जो प्रोडक्शन है वो हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है और हम गुड्स वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व होता है। पीपीसी की कुछ एजम्पशन है। पहली एजम्पशन ये है कि इसमें गुड्स और टेक्निक्स, जो हमारे पास रिसोर्स हैं और जो टेक्निक्स हैं उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सेकेंड है कॉम्बिनेशन ऑफ आर टू गुड्स। जो कॉम्बिनेशन जो बनते हैं पीपीसी में वो दो गुड्स में होने चाहिए और उसमें कोई चेंज होता है तो दो गुड्स में होगा, ना कि हम वन गुड्स में लेंगे या थ्री गुड्स लेंगे। इसलिए ये एज्यूम करके चलते हैं हम जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो दो गुड्स में होने चाहिए। डायग्राम को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो हमारा ए बी डी एंड एफ पॉइंट है वो पीपीसी लाइन है, शो कर रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। जो पॉइंट सी है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करता है और जो पॉइंट ई है वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है प्रोडक्शन का, कि हम इससे जो हमारा पीपीसी है कर्व की लाइन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं। पीपीसी कर्व शोज अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉजिटिविटी ऑफ एन इकोनॉमी, ओके, इट इज़ कॉनकेव टू द ऑरिजन, इट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। थैंक यू, गुड बाय।